जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, क्या हाल, कैसे हो? तो स्वागत है आपको इस न्यू ब्लॉग में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे में मेरे और ब्लॉग है, और भाई ये एरिया बहुत पॉश लगता है, बहुत ज़बरदस्त। और ओला के राइड में है गाइज हम लोग। वेलकम टू माई ओला राइड वंस अगेन गाइज। हज़ार लाइट मैंने जला रखा है, पता नहीं क्यों, और अभी बंद कर दिया मैंने। तो इसमें ये बहुत अच्छा सिस्टम है, हज़ार लाइट का, हज़ार लाइट बोलते हैं आई थिंक, यस हज़ार लाइट। भाई ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर मेरे को कहीं नहीं लेफ्ट ना राइट घूमना है तो सीधा निकट देगा, मैं निकल जाऊँ सट्टा से। और इस ओला का बहुत ज़बरदस्त चीज़ है भाई, ओला बहुत दिन बाद चलाने का मौका मिलता है कभी कभी। तो आज मैंने फुल्ली चार्ज ओला लेके आया था घर से, 140 इसकी किलोमीटर दिखा रही थी, आज मैं इसके 40 किलोमीटर भाई आराम से चल गया हुआ। 40 किलोमीटर आज मैं दिन भर कर रहा, 40 किलोमीटर है, मतलब तुम सोच लो कितना पेट्रोल बचा होगा देखा जाए तो। तो ओला इज अ बेस्ट सेविंग राइड। अगर तुम्हारे पास घर में बिजली है, रखने को गाड़ी है, तो ओला ले लो, तुम्हारा दिन का जो भी रनिंग है ना वो निकाल देगा। बाइक थोड़ा सा खर्चीला है मित्रों, समझो बात को। तो आज है डेमोक्रेसी का 50वां, डेमोक्रेसी की हत्या का। आज जो डेमोक्रेसी की जिन्होंने हत्या की थी, जिन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या की का सेलिब्रेशन कर रहे हैं मित्रों, ठीक है। माननीय इंदिरा गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी क्यों लगाई थी मैं नहीं जानूंगा, बट मैं इतना जानता हूँ कि इमरजेंसी लगाना थोड़ा सा ना गलत हो गया, नहीं लगाना चाहिए, इससे गलत मैसेज जाता है। आज जो इमरजेंसी लगाए थे वो आजकल ये इसके बाद को सॉरी भी नहीं बोलते, हाँ सॉरी बोल के निकलो यार, हाँ ठीक है हमने लगाई थी इमरजेंसी, गलती हो गई, एक्सेप्ट करो ना गलती यार, क्या दिक्कत है कांग्रेस से, हो कांग्रेस ही हो से बोल रहा हूँ भाई, तुमसे बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट करो, हाँ हमने लगाई थी, उखाड़ लो जो उखाड़ना, ऐसे बोलना चाहिए। मैं होता ना सही होता ना, मैं ऐसे बोलता, हाँ जाओ उखाड़ लो, उखाड़ना समझ में नहीं आता मेरे को, बोलने में क्या जा रहा है भाई। हाँ भाई लगाई थी इमरजेंसी हमने, जैसे नहीं लगाते तो कैसे काम चलता, किसी की तो पॉलिटिक एम्बिशन है ना ब्रो, गांधी जी की भी थी, बात अलग है कि वो ली पहले फुर्सत में। स्टिल इमरजेंसी इज अ नॉट अ गुड थिंग, चाहे कोई कितना ही बोले, जो भी बोले, चमचा बोले, चाहे ढमचा बोले, फक बोले, जो भी बोले, इमरजेंसी इज नॉट अ गुड थिंग ब्रो, हमेशा याद रखना, हज़ार लाइट्स आर बेस्ट, ठीक है ना। मैं अपने सारे कांग्रेसियों से बोलूँगा कि प्लीज़ एक्सेप्ट करो गलती, देखो अपनी गलती एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लोगे ना भाई, कोई मारेगा नहीं, समझो इस चीज़ को ना, किल यू, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे कांग्रेसियों, समझे भाई, रिक्वेस्ट है तुमसे प्लीज़। और जहाँ तक रही बात की, तो देखो यार इंदिरा गांधी जी ने, देखो अगर मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन मानूँ तो मैं बोलूँगा कि इंदिरा गांधी जी ने गलत किया था, उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, चाहे जो भी कंडीशन हो। मोदी को लोग इतना हिटलर फासिस्टवादी जो भी बोलते हैं, कभी ना इमरजेंसी नहीं थोपी उसने, कभी किसी का गला नहीं दाब दिया, तो थोड़ा सा ना इसको ये करो यार, बेरवर करने की कोशिश करो। और यार अजीत भारती ने जैसा कुछ बोल क्या दिया तुम लोगों ने यार, एफ आई आर कर दी, अरे यार थोड़ा दिमाग से काम लो यार, प्लीज़ मत किया करो, कोई फ़ायदा है, क्यों टकराना चाह रहे हो बीजेपी से, मत टकराओ ना यार, कितना अच्छा चल रहा है सोया हुआ शेर, उसको मत जगाओ, क्या तो चीर फाड़ देगा भाई, बात को समझो, समझते नहीं हो तुम, बीजेपी में से किसी एक का भी सिर घुमा, किसी एक का भी भाई, तुम नहीं जानते कि क्या खो सकता है, ठीक है, उनका सही सत्ता है, पावर है, वो दिखा देंगे कि इमरजेंसी क्या होती है, डेमोक्रेसी हत्या क्या होती है। मत अशोका को, अशोका ने अपने सारे भाई को मारा था, नहीं जाने भाई को बड़ा हल हो जाएगा, समझ रहे बात को, तो प्लीज़ मत बनाओ किसी को अशोका, तो कोई अशोका बन गया ना ब्रो फिर तुम सोच लो। और तुम ये बात ना सही बता रहा हूँ कि तुम एक बहुत हार्ड कोर किसी राइट विंग को ना ये करोगे, क्या बोलते जन्म दे रहे हो, कसम बता रहे हैं, तो हार्ड कोर राइट विंग जिंदा हो गया ना, तो अभी जो कि मरा पड़ा हुआ है, सोया हुआ है, उसमें भी ये नहीं है, फिर तो तुम्हारी वाट लगा देगा, बात को समझो इस चीज़ को, नेवर पुश, इतना कर दो कि वो तुम्हारा वो डायलॉग है ना कि इतना मत डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए, प्लीज़ इतना मत डराओ, किसी को मत डराओ, फिर एक बार होगा क्या ना कि जैसे तुम बोलते हो ना कि 400-500, तुम जो ये बात बोलते हो ना कि अब की बार 400 पार नहीं आएगा, 300 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, ब्रो मत करो ऐसा, ठीक है, क्योंकि तुमने अगर हवा जाए दे दी ना, तो सही बता रहे हैं ये लोग, मतलब वो होता है ना कि जो क्लास में बच्चा 90% मार्क्स आने चूक जाता है, वो दो ही काम करता है, या तो सुसाइड करता है या तो जाके पढ़ाई करता है, ठीक, तो तुम वैसे ही कर रहे हो। और याद रखना सबसे ज़्यादा बड़ा पैकेज और सबसे अच्छा किसी का होता है तो उन्हीं लोग होता है जो उठ के मेहनत करते हैं, समझे, तो तुम पुश कर रहे हो तो मत करो, अगर इन लोगों ने मेहनत कर दी ना ब्रो, सही बता रहे हैं, तो जो नेता मुझे चाहिए जैसा वो वैसा दे दिया, एक आ गया, देखो एक नेता वैसा आ गया जैसा इंडिया को चाहिए था, अगर एक और आ गया ब्रो, तुम यहाँ एक मोदी से परेशान हो, कल को जब 1000 मोदी पैदा हो जाएंगे तो तुम क्या करोगे, और ऐसा नहीं कि सत्ता तुम्हारे हाथ में रहेगी ना, अब सत्ता चली गई तुम्हारे हाथ से, अब सेकुलर लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी,
जब सेकुलर लोग, लिटरली बता रहा हूँ, सेकुलर लोग, ट्रू सेकुलर अगर आ गए भाई, तुम नहीं समझोगे क्या हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, ये सच में बहुत शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा, ख़त्म करके रख देगा ब्रो, ठीक है। बस डोंट पुश द लिमिट। क्या जबरदस्त बेरोजगारी है, बेरोजगारी देख रहे हो, टैटू था शरीर पे बेरोजगारों के, यार हद है। अब जूता था, हाफ पैंट था, अरे डिसेंट सा कपड़ा पहनो यार, क्या लुक लगा रखा यार। चलो अपना अपना सबका चॉइस है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, इसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैंने किसी पर टिप्पणी की हो तो। खैर हम लोग थे 400-500 पे ब्रो, मत पूछ करो, लिटरली बता रहा हूँ, कांग्रेस मेरे भाई बात मान ले, नहीं तो अगर ज़्यादा पुश हो गया, नहीं देखो होता क्या है ना, तुम धीरे धीरे लोग ना पुश कर रहे हो, स्टोरी स्टोरी, सच बोलने वाले की कमी है ना, इसीलिए पुश कर रहे हो। जिस दिन सच बोलने वाले खड़े हो गए, 1000 लोगों ने सच बोल दिया, 1000 लोगों ने सच, और एक साथ बोल दिया सच, फिर लुटिया डुबा लेना अपनी, सही बता रहा हूँ। तुम जानबूझ के ऐसे लोगों को इकट्ठा करने के लिए मजबूर कर रहे हो, और वो ओपनली करेंगे तो याद रखना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है पता है, सच ही जीतता है, सच में सबसे ज़्यादा होती है। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ट्रूथ, सिर्फ बोली ही मार कराती है, बोली ही काट कराती है, सिंपल सी याद रखना बात। तो बोली है, प्यार से ही बोल के किसी को मार सकते हो, प्यार से बोल के मार लो, सिंपल सी बात। खैर तो ये सब बात है, तो मेरा सजेशन मैंने दे दिया है, और इन सब रास्ते पे मेरे को अपना ओला बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका सस्पेंशन उतना बढ़िया नहीं लगता है मेरे को। बाकी इन सब में तो लगता है कि सुई सुई मतलब रॉकेट भाग रही है, रॉकेट होता है ना कि एक क्या बोलते हैं, एक पावरफुल रॉकेट लगा हुआ है, सुई से भागती, देख रहे हो सुई से भागती है। ऐसा रोड बनाओ मोदी जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा, ठीक है, पटना को बदल दो यार, मज़ा आएगा, इतना बदले हो थोड़ा सा और मेहनत लगाओ, और हम लोग को भी, अपने पटना वासियों को भी थोड़ा सा ना माइंड सेट अपग्रेड करना होगा, ठीक है। जल्दबाजी में रहना, रूल्स को ब्रेक करना, ये सब भाई छोड़ो, आदत हो गया ना यार, कितना कब तक ये सब आदत को पालते रहोगे। चलो थोड़ा सा अपना इसको सुधार लो, बेटर रहेगा, ठीक है। देखो कोई सॉल्यूशन पे बात कभी नहीं करेगा, ठीक है, सॉल्यूशन पे जो बात करेगा उसकी कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि हर किसी को सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करना है। अरे सॉल्यूशन बताओ ना यार, जैसे कि कोई बोलता है कि पेट्रोल का प्राइस बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, मान लिया बहुत महंगा, चलो व्हाट शुड बी द प्राइस, ये बता दो, क्या होना चाहिए प्राइस, तुम्हें बता दो ना यार, कितना रख के देखिए अपने, और सबसे बड़ी बात कि अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करो यार। अगर कहते हो कि महंगा नहीं बढ़ेगी तो अपने अपने स्टेट में उसको कंट्रोल कर दिखाओ। जैसे डीजल पेट्रोल सबसे लोएस्ट कहीं होना चाहिए तो कांग्रेस राज्य में होना चाहिए था सबसे लोएस्ट, लेकिन देखो वहाँ पे मतलब जितना बीजेपी साथ ही साथ होता अभी वहाँ भी है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा यार। कुछ तो ऐसा गवर्नेंस मॉडल लाओ कि तुम जो हो तुम थोड़ा सा ये रहो, लेकिन नहीं, तुमको भी पता है ये बात कि ये सॉल्यूशन नहीं है, पेट्रोल का प्राइस कम नहीं हो सकता है, कम हुआ तो फिर जो खर्चे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यार तो जब तक अपने ऊपर, देखो कोई भी चीज़ जो सजेशन को देता है ना दूसरा को, पहले खुद पे अप्लाई करो, ठीक है, हाइपोथेटिकली कम से कम अप्लाई करो, देखो उसके बाद दो और सुनो रिजल्ट बताओ कि हाँ अगर इस सिचुएशन तुम होते तो तुम क्या क्या करते, और तुम अगर फेल होते तो तुम सॉरी बोल के निकलो यार। तुमको जनता सामने, जनता के सामने आओगे ना कि हाँ भाई ये मेरी गलती थी तो ये गलती हो गई, ऐसा सीधा बोल दो, जनता डिसाइड करेगी कि क्या करना है तुम्हारा, तुमको एक और मौका देना है कि तुमको लात मार देना है। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स वो नहीं है कि वो कर दिया, अरे अच्छे काम को सराहो यार, क्या दिक्कत है, बोल दो कि हाँ धारा 300 हटाना अच्छा था तो बोलना यार, क्या दिक्कत है बोलने में, तुम भी हटाने वाले थे तो नहीं फलना किया इसलिए चला रहे, भाई जलते रहोगे तो मर जाओगे जलते जलते। सिर्फ राहुल गांधी की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, सारे नेताओं की प्रॉपर्टी बढ़ रही है बस, जनता की प्रॉपर्टी नहीं बढ़ रही है, जनता सिर्फ और सिर्फ अपना दिन काट रहा है बस, दैट्स इट। भाई दिन काटना अच्छी बात है, अच्छे से दिन काटो, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, घर वाला माता पिता भाई बहन जो भी यही सब कुछ है, बीवी बहू बाल बच्चा सबको अपने मिला के रखोगे, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत रिलैक्स में फील करोगे, कहीं जहाँ भी काम करोगे। अगर तुम 10 रुपये कमाते हो तो अपने फैमिली को 10 में मैनेज करना सीखो, क्योंकि अगर आज नहीं सीखोगे, आज अगर तुम्हारे 10 रुपये में तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो अगर कल को तुम 50 रुपये कमाओगे ना, 100 रुपये कमाओगे ना, तो भी तुम मैनेज नहीं कर पाओगे, तो समझे। तो मैं ये सजेशन मेरा सभी लोगों से होगा कि थोड़ा वैल्यू सीख लो, मॉरल वैल्यू सीख लो, ठीक है, और किस तरह से रहना समाज में वो सीख लो, और जितना भी रूल्स है उसको फॉलो करो, ट्रैफिक रूल्स को खासकर, ताकि आपकी लाइफ सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहो, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का जो ब्लॉग है समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।